This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिजनेस टूडे मैं हूं अली नासिर जिन मौजूद के ऊपर हम गुफ्तु करते हैं जनाब मीशत कारोबार बिजनेस फाइनेंस और बैन अलावा और मुकामी मंडियां और तौर पर आज तो मीशत के बारे ही बात करूँगा मेरे साथ मेज़बान होते हैं जनाब जुनीद गुल साहब उनको मैं आगाज़ में ही वेलकम करता हूँ शो के अंदर वेलकम टू द शो जुनेद नाज़रीन। गुड मॉर्निंग इसी के साथ नाजरीन बादा अंदाज के अंदर आपको मेरी जानब से आधा बरस है और बाकायदा तौर पर, पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब जुनेद गुल साहब कुछ कारोबार की खबरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी इसके अलावा स्टॉक इस मार्केट के हालात तो जैसे आपको पता है कि मंडे के ऊपर हम जिस जिस टाइम मार्केट खुलती है फिर ही हम रिव्यू करते हैं उसका right. लेकिन मार्केट के अंदर जो भी एक हलचल सी रही हलचल सी रही इस हिसाब so. इस से कि ऊपर भी गई नीचे भी आई लेकिन ज़्यादातर दबाव का शिकार रही right. और मार्केट वही मेरे ख्याल तीस हज़ार इकतीस हाँ, हजार, हजार के साइकोलॉजिकल बैरियर से बत्तीस हज़ार अच्छा नहीं ब, हाँ बत्तीस हजार भी है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर तो हमारे यहाँ हर हज़ार पे साइकोलॉजिकल <laughs> बैरियर है तो हम वो बैरियर चीरती हुई नीचे भी आ गई तो अब ये है कि आगे चल के लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का क्या बनेगा तो इसके मुतालिक लोगों को जरूर बताएंगे आ, मार्केट खुल जाएगी तो उनकी खुद नज़र से भी गुजर जाएगा क्रिकेट के बारे में मेरे से कोई सवाल ना करना मुझे बिला वजह गुस्सा आ जाएगा क्या फ़ायदा एक गुड न्यूज इज दैट द बैक

वो कहते हैं कि जी देयर शुड बी लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अच्छा एंड देयर शुड बी लॉट ऑफ रेजिलियंस इन देयर इकोनॉमीज Now, uh, this, is, this goes without saying, but uh, basically, Germany is not agreeing to a lot of monetary and fiscal stimulus that other countries are saying that we also ease mm. out karna monetary and fiscal policies and stimulus dena G -G. into the uh, slowing down economies. Mm. But the major thing that came out as a communique was that there, there should be a combination of monetary and fiscal uh, stimulus with a lot of structural reforms. तो ये कैसे अब करेंगे इसका देखना पड़ेगा बट द बट जर्मनी वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि कहते हैं कि नहीं जी इट शुड बी वेरी टाइट रिफॉर्म्स ओनली दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड वो कहते हैं कि जो पहले हमने ईजिंग की है इसमें इससे कोई खास फायदा नजर नहीं आया दैट्स दैट लाइक ओवर द दीकेंड फ्राइडेटे वो शंगई में थी तो आई थिंक दिस इंपॉर्टेंट इवेंट उसके बाद पाकिस्तान लीडिंग द वे इन साउथ डिजिटल फाइनेंस एशियां दिस इज गुड न्यूज साउथ एशिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का नंबर है लाइक एडल्ट्स एडल्टविंग मोबाइल अकाउंट इज टू पॉइंट सम परसेंट Hmm. और पाकिस्तान so I mean, nice. को कहते हैं सिक्स परसेंट है सो आई थिंक दिस गुड न्यूज जैसे हमेशा कहता हूँ इंक्लूजन पाकिस्तान में बड़ा फोकस है आई थिंक स्टेट बैंक इज वर्किंग डायरेक्शन एंड देव वेर वेरी गुड फोकस ऑन दैट सो दैट्स जैसे कि जी उन्होंने वो बनाई है लास्ट ईयर पाकिस्तान लॉन्च नेशनल फाइनेशियल इक्लूजन स्ट्रेटी एज पर देट वही कहते हैं कि फिफ्टी परसेंट ऑफ एडस मोबाइल अकाउंट बाई टी ट्वेंटी बट आई थिंक अचीव इट दैल बी ग्रेट So that's again, actually the uh, underlying principle here is hmm. के हम लोग अपने मुल्क के अंदर ग़रीब लोगों को empower कर दें और इसीलिए बैन अवी जो मालियाती तरक्याती व दीगर इदारे जो उनकी सिस्टर तंजीमें हैं उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि लोगों को एम्पावर किया जाए और फाइनेशली एमपावर करने के लिए बैंक अकाउंट एक ज़रिया है फिर उसके बाद उनकी रसाई जो है वो yeah. क्रेडिट तक भी हो yeah. तो वो उधार भी ले सकें

you know, they don't have a f formal access to uh, finance, uh, like, you know, banking system, which mm. means that with they, are, they are being excluded from a lot of uh, things mm. which can benefit the economy as well. so this mm. step, like uh, pakistan leading the way in south asia, is a good step. Mm. or five, only 5% 5 of women <coughs> in pakistan have mm. financial access, which is a very, very small <coughs> number again. 27.5 million of Pakistani adults cite distance to a financial institution as a barrier to opening a financial account. Now, this is a very important point. अभी क्या जी हुआ? इत्तेफाक है इस पर कि एक इनिबिशन है एक इंडियन एक इंटिबिटेटेड लोग फील करते हैं बैंक के अंदर जाते हुए ना कि यार बैंक है जी, जी, एक सूट टाइप पहन के बैठे हैं तो एक आम इंसान जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नहीं है उसको जरा एक इनिबिशन होती है जाते हुए प्लस जो अभी अभी हा? पिछले हफ्ते मेरे से अभी हुआ कि मेरा जो एक घर में है काम करने वाला उसको अकाउंट खुलवा रहा था जी जी देखिए वो ब्लडी दिस पैक ऑफ यू नो फॉर्म्स अब वो कह रहा हैं मैं इसको कैसे भरूं वो दो महीने रख के बैठ रहा है उसको फिर मेरे पास आया कि जी ये फॉर्म मुझे बैंक खुलाना है उस फॉर्म के अंदर उसके काम के सिर्फ दो सेक्शन थे ठीक है जी और बाकी सारे सेक्शन वर इनरेलीवेंट हुए बट वो क्या करते हर चीज़ एक ही फॉर्म में डाल देते आई थिंक दिस वॉज माई माई एडवाइस माई रिक्वेस्ट मेक इट सिंपल जैसे वो ताकि लोगों के लिए आसानी हो और ज़रा कम इनोबेशन हो ताकि प्लस ये जो है ये ब्रांचलेस बैंकिंग दूसरा यह है अच्छी खबर है पाकिस्तान बेस्ट टू बेनिफिट फ्राम सोलर पावर अच्छा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है आ, जी जी। सोलर का और विंड का, वो बहुत, विंड का बहुत ही, है। और पाकिस्तान से लिखा हुआ कि वो कहते हैं क्योंकि हमारे जो डैम्स हैं ये बड़ी किस्म की बात कर दी है कि सबसे ज्यादा सूरज यहाँ निकलता है सूरज की तपिश का निशाना हम बने हुए हैं

तो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो हालात कुछ इस तरह के बनते दिखाई दे रहे हैं कि इकोनॉमिक राइट नाउ अगर आज की तारीख में फिजिबिलिटी निकाली जाए तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं बनते लेकिन उस दिन जैसे आप गुफ्तु कर रहे थे कि मुस्तकबिल में सौ डॉलर का हो जाता है अगर अभी, 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 अभी तो फिर, हाँ, तो फिर फिर इक्वेशन चेंज हो जाती exactly, है इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और उस इक्वेशन के चेंज होने के बाद बल्कि डेढ़ सौ डॉलर के ऊपर जो है ना वो इक्वेजन चेंज हो जाती है और बॉल गेम दूसरा हो जाता है वहां पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो वो इट्सटार्ट मेकिंग सेंस लेकिन 30 डॉलर के ऊपर जो है ना वो मेरा ऐसा ख्याल ये है कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो बैन अलावा सतह पर स्पेकुलेटर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि अल्टरनेटिव एनर्जी दुनिया में इंट्रोड्यूस की जाए क्योंकि उससे फौसल फ्यूल इंडस्ट्री जो है जो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुई वो तबाह होने का उनको खतरा खदशा है तो वो अभी ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए वो ये ज़रूर जानते हैं इस चीज़ से कोई आ, मतलब ये है कि इस चीज़ की नफ़ी कोई नहीं कर सकता कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इस दुनिया से डिप्लीट हो जाएंगे या काफ़ी हद तक डिप्लीट हो जाएंगे yes. अगर उनकी डिप्लीशन के बाद तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर जाना ही पड़ेगा मजबूरी है अब वो सूरज की शुवाएं भी हो सकती exactly. हैं हवा की जो है वो मतलब ये कि हवा का जोर भी हो सकता है अच्छा एक और जो चीज़ मैं इस देख रहा था ओवर द वीकेंड आज बल्कि इंडिया में जो है पाकिस्तान उनका बजट का रिव्यू है इंटरनेशनल इकॉनमिस्ट द इंडिया वो कहते हैं कि बातें ज्यादा है और हुआ कम है, exactly है. उन्होंने उसको बड़ा उन्होंने एक बात की जो मुझे बड़ी लगी कि सुनी सुनी सी बात लगी वो कहते हैं कि जो ऑयल प्राइस कम हुई है ना उनका फिजिकल डेफिसिट उनका

is offset by the lower oil prices सर असल में बात ये है कि सर आप यूरो डेप्रिशिएटिंग नहीं point. मैं आपको वही बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं लो लो यू डेंट मैं आपको सुन रहा क्यों लग रहा है ये नहीं मैं आपको एक चीज बताऊं बात सुरा -सुरा ये के है कि ये एक निकम्मा दुश्मन हमें मिला है ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है

उन पर तारी रहता है खौफज़दा वो होते हैं अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को निकाल दिया जाए उसके अलावा पाकिस्तानी कौम से लिया जाए तो वो हमसे बहुत घबराते हैं क्रिकेट टीम से वो लोग नहीं घबराते क्रिकेट टीम को लॉलीपॉप देते हैं वो लोग क्योंकि ये बच्चे उन्हीं के मुझे लगता है वो, वो वहीं पढ़ना चाहते हैं वो। लेकिन कि कि मेन बाकी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तो मैं आ, आ, बहुत लंबी बात हो जाएगी मुख्तर उसको कर देता हूं। असल में जैसे आपने बताया कि इस जो हिंदुस्तान के अंदर आई है उसके एजेंडे पे दो चीजें थी एक तो नफरत के एजेंडे पे जीत के आए थे दूसरा पाक, दु, पाकिस्तान दुश्मनी देखें हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो अमन की लाशा उठाए सब लोग इंडियन एज अ पॉपुलेशन इज डिफरेंट दैन पाकिस्तान वहाँ का जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है ना वेक्शन टू पाकिस्तान और वहाँ पर रिगिंग वगैरह इतनी होती नहीं है तो मुझे बड़ी हैरानी थी वेन इंडियन इलेक्टेड मूदी बिकॉज समी लाइक हिम इज नॉटर चॉइस ऑफ इंडियंज आई नो फ्राम लिविंग अब्रॉड ठीक है ना तो ये बड़ा एक नॉर्मली मुझे समझ अभी तक नहीं आई कि हाउ डिड हीट इलेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही स्टिल बट एक बात मुझे याद है

तो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा भी और उनका भी जहाँ पे होता है हम सबको पता है साहब को एक बड़ी किस्म की बीमारी लायक है तो सुन ले आगे चलते हैं सर उनको बड़ी सख्त किस्म की बीमारी लायक है रात को सोकर जब सुबह जागते हैं ना तो उनको भूख लगती है, पता है नहीं क्यों। खाना खा लेते हैं

और मैंने टेलीविजन पर भी यह कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे तेल की कीमतों के गिरने के बावजूद जिस तरह के इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं शायद वो दुरुस्त ना हो लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन जो थी वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर रही थी क्योंकि उन्होंने जो फोरकास्ट किए थे काफ़ी हद तक आप ऐसा कह सकते हैं कि उन फोरकास्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मीशत चल रही है उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि नंबर्स डोंट मैच लेकिन अब यह तस्लीम करना पड़ेगा कि काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त हो रही क्योंकि ये फोरकास्ट जो होता है ये तो किसी का भी हो सकता है ना आपका योर्स वर्सेज़ माई तो कुछ सर ख़बरें पढ़ दूँ मैं आपकी इजाजत से डेली टाइम्स की कुछ सुर्खियाँ हैं ये पढ़ते चले जाएँ जल्दी जल्दी विल गो टू एनी लेंट टू फिनिश टेर्रिस्ट्स सी ओ एस और सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस बयान के साथ साथ मैं एक मख्तसर से दो जुमले कहूँगा वो बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने लोगों ने अपनी शहादत पेश की बिल्कुल अपनी जान खोई हम उनको भूल जाते हैं जब ताज़ा ताज़ा होते हैं तो उनके नमाज जनाजा को टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता है बाद में उनके घरों के साथ क्या होता है उनकी फैमिलियों के साथ क्या होता है उनके बच्चों के साथ क्या होता है उन खुवात जिनसे उनकी शादी होने वाली हो रही होती है चंद महीनों के अंदर बहुत दफ़ा ऐसी ख़बर आती है तो कि तो नौजवान हमारे जो हैं वो क्या होता है कितने घर उजड़ जाते हैं कोई कभी नहीं सोचता जुनेद गुल साहब सिर्फ टीवी के ऊपर गाने चला देने से सालाना बुनियादों के ऊपर हमारे शहीदों के खून की याद ताज़ा नहीं हो सकती मेरे ख़्याल रोज़ाना कोशिश करें कि उन लोगों को याद करें मैं ये नहीं कहता कि महवर मकसद मुझे नहीं पता क्या महवर मकसद है लेकिन जान देने वाले का महवर मकसद ये ज़रूर था कि वो शहादत हासिल करना चाहता था वो इस मुल्क के लोगों के लिए मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कितने घर उजड़ जाते हैं ब्रेड विनर्स होते हैं वो बेचारे उनकी जब जान चली जाती है अगले दिन मैं एक कहानी पढ़ रहा था बड़ा मुझे अफसोस हुआ लेकिन बात यही है कि वो बिल्कुल बे बेयारों मददगार रह जाते हैं बुज़ुर्ग वालदेन होते हैं इसके साथ ही हमें ब्रेक लेनी है लेकिन मैं उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ और ब्रेक के अंदर ख्वाहिश करूँगा कि आप भी उन शहदा के लिए दुआ कीजिए जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जान दी और जिनका नाम भी आप भूल चुके हैं इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन इन जारी थी हम बात कर रहे थे कुछ माशी मामला की लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अहम गुस्तु कर रहे थे डेली टाइम्स की शेय सुर्खी जो थी विल गो टू तो एनी लेंथ टू फिनिश टेरर सी ओ एस आर्मी चीफ एक्सप्रेस सेटिसफैक्शन ओवर प्रोग्रेस इन फाइनल पुश टू एविक टेररिस्ट फ्राम आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ शवाल इन नॉर्थ वजीरस्तान एजेंसी सेक्रीफाइस ऑफ सोल्जर्स वोट गो इन वेन प्राइम मिनिस्टर तो ये बात यह है कि ये कह देते हैं हम लेकिन मैंने सिर्फ मुख्तसर इतनी बात की थी कि एक दिन हम उनको याद रखते हैं फिर हम उनके बाद उनकी कुर्बानी को भूल जाते हैं उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए उनके लिए हम दुआगोह हैं कितने ही घर बेचारे उजड़ जाते हैं रोटियाँ जो हैं वो जिन घरों के अंदर उनकी वजह से चूल्हे जलते हैं रोटियाँ पकती हैं वो सब ख़त्म हो जाता है उनके माशी मामला को जनाब वाला नहीं देखा जाता तो ये ज़रूर पेंशन मिल जाती है तोहफा मिल जाता है वजीफ़ा मिल जाता है वगैरह वगैरह लेकिन आप तस्वर नहीं कर सकते कि एक की जान जो है वो नहीं की जा सकती। बड़ा ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम है इसी के साथ सर, एक छोटा सा मौजूद मैं आपके सामने वैसे रख दूँ प्लीज प्लीज पढ़िए चेयरमैन चौधरी

हमारे यहाँ सिलसिला ये होता है कि नोटू यहाँ से बाहर भेजा जाता है okay. और फिर वहाँ से यहाँ मंगवा लिया जाता है जब यहाँ आता है तो उसके बाद कोई सवाल नहीं आप पूछ सकते सोर्स के तो 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 ये कह तो रहा तो अब की बात है। नहीं कर रहा। पहले तो की बात कर रहा हूँ तो बिलियन डॉलर वर्कर्स भेज रहे हैं तो कहते तो यही है ना तो इसमें गवर्नमेंट का दादा कहते यही है गवर्नमेंट का इनिशियटिव ये होता है कि गवर्नमेंट जब आर्म ट्विस्टिंग करती है या एमनेस्टी स्कीम्स जो होती हैं वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं रहती तो डेढ़ रुपए देकर या दो रुपए देकर जब काम हो सकता है नब्बे पैसे का फर्क आ रहा है इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर तो कर लेते हैं बाकी ये पहले होता था अब नहीं होता अच्छा हो। हाँ करप्शन इस मुल्क के अंदर पहले होती थी अब थोड़ी होती है मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ अब की बात थोड़ी कर रहा हूँ कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैंने इस खबर की नफी कर दी ये जो कह रहे हैं सच कह रहे होंगे खाली एक झूठा मैं ही हूं बाकी सारी दुनिया सच्ची है सच बता रहा हूं आपको हाँ हाँ मैं आपको सही बात बता रहा हूं देखें असल में बात यह है सर कि हमारी माशरे और मीशत के अंदर जब तक हम सच बोलना नहीं सीखेंगे और सच की अहमियत को समझना नहीं सीखेंगे तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हम इतना झूठ बोलते हैं इस माशरे के अंदर खासतौर पर अपनी मीशत के मुतालिक इकोनॉमिक्स के मुतालिक हम इतना झूठ बोलते हैं कि फिर उसके बाद सच भी झूठ लगना शुरू कर देता है और झूठ भी सच लगना शुरू कर देता है नवजुबिल्ला एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां पर हक की बात करने वाले को पत्थर मारा जाता है और जो झूठ बात करता है उसको आला मनसब पे लगाया जाता है ये अफसोस की बात सर दूसरी बात दूसरी खबर पढ़ दूं क्या आपके फेवरेट फेवरेट एंकर के है लेकिन लो, हाँ, लेकिन लोग जिसने पढ़नी है वो डेली टाइम्स का ताजा शुमारा ले क्योंकि मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहता वो पहले ही मुझे नापसंद करते हैं दोनों शख्सियात जो इस मामले में इन्वाल्व है दोनों मुझे नापसंद करती होंगी मेरी हरकतों की वजह से किसकी बात हो रही है ये जो खबर है ये खबर मैं पढ़ूंगा नहीं डेली टाइम की ताजा ताज़ा शुमारा खुद खरीदें पाक यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग टुडे सर ये अहमियत वाली खबरें अहमियत वाली खबरें फोर मेंबर पाकिस्तानी डेलीगेशन रिश्त वाशिंगटन ऑन संडे टू अटेंड सिक्स राउंड ऑफ मिनिस्टीरियल लेवल हाँ आप बोलते हैं फॉरन मिनिस्टर नहीं इस का देखें अभी फॉरन मिनिस्टर कौन है गलत बातें करते ने, हैं आप। कर सकते तो फिर इसका मतलब है ना मान जाओ आप हर बात माना करो इस पे इन चारो, इन चारों चार लो चार लोग चार लोग पाकिस्तान से ठीक है हाँ, इस है इसमें ये हमारे सर साहब एडवाइजर एक बंदा आबे भी गए <laughs> मुझे वो जॉन कैरी वगैरह के लेवल की मतलब है, है। मैं कौन शेर अली

लॉ इन्फोर्समेंट एंड काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड नॉन पोलिफरेशन एंड डिफेंस देखो ये इन टॉपिक्स के अंदर कहीं फिट नहीं होता क्या होता है, फिर वही बात फिर अब मैं क्या बोलूं पाकिस्तान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लॉबियंग टू विन बैक इमर्जिंग मार्केट स्टेटस बे स्टॉक एक्सचेंज की खबर जरा बोर्ड चेयरमैन से पाकिस्तान विल होपफुली बी रिस्टोर टू एम एस सी आई एमरजिंग मार्केट डिसीजन इज अनाउंस इन जून अच्छा हम इमरजिंग मार्केट्स में नहीं थे तो हम तो दुनिया की अजीम तरीन और बेहतरीन और पता नहीं क्या क्या स्टॉक मार्केट थे यानी अब अभी तक हम इमरजिंग मार्केट्स में ही नहीं आते और हम दुनिया की अजीम नहीं, तरीन नहीं, और we बेहतरीन exactly लेकिन हम तो बेहतरीन थे सबसे बेहतरीन हमारी थी पाकिस्तान में दूध छहद की नहर बहरी सारा कुछ ठीक हो रहा भगौल इन लोगों के और आप हमेशा से नफी करते आ रहे हैं कि भाई ये जो बातें की जा रही है गलत है मैं भी हमेशा से ये कह रहा हूँ कि जो बातें कर रहे हैं गलत है अभी तक आप इमरजिंग मार्केट तो हो नहीं एक और आप पता है आप कौन हो ओ, ओ, दूर दर मार्केट लेकिन दुनिया की आग... दुनिया की अजीम हर बात में दुनिया की अजीम तरीन मार्केट कहना जरूरी है नाउजुबिल्ला सर बात बात देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वरूर तकबर जो है ना और ये लफ्ज अजीम तरीन बेहतरीन और ये शौकत तरीन सॉरी गलत निकल गया क्यों हमारे यहाँ तरीन ही चलते रहते ना ये तो ये जो सिलसिला है ना ये दिस नीड्स टू कम टू समे कहते हैं लॉजिकल एंड

इस जो है वो they will, uh, look for foreign well. 2014 <coughs> उन्होंने टाइम रखा था फिर 2015 उन्होंने किया था उसको पी <coughs> ने जब भी नहीं हो सका आज हम ऑलमोस्ट तीन साल पे खड़े हुए हैं अब तक वो उसकी फॉरेन नहीं ला सके सर फोर्टी परसेंट स्टेक उनको बेचना हाँ, है वो ही बता ना तो, कहां से लाओगे आप तो आप तो बोल रहे थे तड़प रहे यहाँ पर आकर इंटरेस्ट नाव वट देव डन नाव वट इसमें शर्त पत्नी है कि नहीं है। मैंने जो सुना है अब ये क्या कर रहे हैं कि उन्होंने देव मेड अ कमीशन नाउ कि वो एक दोबारा से एक रिवाइव विद इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स वो कहते हैं कि ये जो है इस दे हैव हाँ टू तो फाइंड अ फॉरेन इन्वेस्टर नाउ

तो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जाएगी नीचे क्योंकि लोगों ने रिपेट्रिएट करने होंगे यूएस डॉलर के अंदर अपने फंड्स यूरो के अंदर अपने फंड्स जैपनीज यन के अंदर भी अपने फंड करने होंगे या यू ए धर्म के अंदर भी करने होंगे अब तो इंडियन रुपयी का भी भांडा फूट गया चौदह अरब डॉलर कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में गए आप कहते हैं हम लोग बड़े उसके ये तो चौदह अरब डॉलर किस बात के भेजें इंडिया में भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ प्रेस में बातें आ रही हैं ये तीन साल में चौदह अरब डॉलर गए कल एक बहुत बड़े साफी ने इस पर इंटरनेट के ऊपर शायद किया उसके बाद आप पता होगा कि मुकामी मीडिया के अंदर भी किस तरह की बातें आ रही तो किस बात के भेजे वो चौदह अरब डॉलर चाहे गलत ही फिक्र हो अरब एक अरब डॉलर भी भेजा तो क्यों भेजा एनी थिंग वॉट कैन इट बी इट कुड बी एनी थिंग तो क्यों जा रहा है वहां पर इलीगल ट्रेड के लिए जा रहा है तो कोई आंखें खोले ना हर आदमी यहाँ पे कहता है मैं ते माली और सबसे बड़ी मजबूरी ये कि इस मुल्क के अंदर हर आदमी नौकरी करता है झंडा पाकिस्तान का लगाता है नौकरी भी करता है दिहाड़ी पे उधर गोरा दिहाड़ी देना शुरू कर देता है उसकी फौज में लग जाता है इधर पाकिस्तान फाउंड होने के बाद पाकिस्तान के यहाँ लग के फिर यहाँ पे दिहाड़ी यार मेरा मुंह खुलता जाएगा और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मामला रह जाएगा खादे में एक बीच में खबर पड़ रहा है प्लीज प्लीज ये मेरे ख्याल कमाल साहब से मंसूब करके ये बात कर रहे हैं कमाल सेट ही नोज द टू थाउजेंड एट क्लोजर जब मैं मार्केट के नजदीक ही गई था इज एन ऑब्स्टिकल टू रिंग स्टेटमेंट इन दी एम सी एम एस इंडेक्स दन क्वेश्चन गारंटी दैट यू विल नॉट शट डाउन यूर मार्केट अगेन एज वी डिड इन टू थाउजेंड एंड एट दैट ब्लंडर इट्स ब्लडर्स लाइक दिस डिस्ट्रॉय द मार्केट इतना बड़ा बड़ा जरूरी है हाँ। मई का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था मैं देखिए मैं आज भी ये एडवाइस करता हूं कि अगर हमारे पास बम था तो दुनिया को बम दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डोंट हैव टू टू शो योर न्यूक्लियर बम द वर्ल्ड ओके तो मेरा ऐसा ख्याल ये कि अगर हो तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन बैटल इज बेटर लेकिन फिर भी आपने किया ऐसी बात नहीं थी कि आपके पास नहीं था दुनिया को आप ना भी दिखाते तो तब भी आपके पास था अल्लाह का शुक्र है ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद सारी दुनिया के सामने वावेला ना भी किया जाता तो हमारे पास था पहले आपने कर दिया फिर उसके बाद आपने बहुत लोग आपको कन्विंस करते रहे कि आप ना करें आपने किया करने के बाद जो आपने अकाउंट फ्रीज किया आपने मुल्क के साथ जो मुल्क मैशत के ऊपर जो बम मार दिया ना उसका आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं दूसरी सर सुने बात 2008 के अंदर मुझे याद है आज भी मैं स्टॉक मार्केट गया ये सील लग ये जो बंद की थी इन्होंने मार्केट नीचे की तरफ ना अब मैं जब पहुंचा वहां पर सन्नाटा यकीन सन्नाटा खामोशी right. इधर उधर नजर घुमाई कोई दिखाई नहीं दे रहा स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं हो रहा आपने अपनी स्टॉक मार्केट को खुद नुकसान पहुंचा दिया प्रॉब्लम सर दर प्रॉब्लम इज टेकिंग द मार्केट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ पीपल हुए अब उसमें काफी हद तक रेगुलेटर सक्सेसफुल रहा है सर ये थोड़ा रेगुलेटर तो, yeah. हमारा सक्सेसफुल रहा है रेगुलेटर ने सक्सेसफुली जो लोग काबू में नहीं आ रहे थे उनका बाजू मरोड़ के उनको काबू में कर लिया एक को उधर फंसा दिया एक को इधर फंसा दिया दो इधर फंस गए और दो को इन आपस की लड़ाई में एक को उसमें गिरा दिया देखे सर दो की लड़ाई करवाई उसमें एक को जख्मी करा दिया वो तो आउट ही हो गया सीन से बाकी एक का हाथ मरोड़ दिया दूसरे का भी मरोड़ दिया पांच में से दो पांच में से तीन को कोने कर दिया तो ये रेगुलेटर की मैं रेगुलेटर को नहीं कहता कि रेगुलेटर ने किया है लेकिन रेगुलेटर को जो काम करने चाहिए थे कि रेगुलेटर क्लचिस से निकालता ट्रांसपेरेंसी लेकर आता इस हिसाब से उसमें काफी हद तक कामयाब रहा है और हिजाजी साहब को उसका क्रेडिट जाता है मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेट है सानू तो किससे बंदे ने भी कहा नहीं देता ना स्टेट बैंक ने कहा देता ना कदे कहा पर फिर भी जो है ना मतलब घास नहीं डाली लोग तो ये ना समझे ट्रांसलेशन में लेकिन कोई मसला नहीं अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क में इज्जत नहीं मिलेगी ना अल्लाह ताला मेरा नाम कहीं और रोशन करेगा कोई बात नहीं आगे चले था मुबारक हो मुबारक हो कामयाब काम हो गया आप यार गम... मुस्कुराते क्यों जब गर्म की अचीवमेंट में आपको बताऊ तो मेन पेज के ऊपर सर लाहौर ईट 2016 का ज़िक्र है यानी लाहौर ईट 2016, लेकिन लाहौर में तो सर सारा साल ही ईट चलता रहता है वहाँ पे तो कभी रुकता ही नहीं तो क्यों जिक्र है और उसके अलावा एक अहम खबर और है सेटिंग प्रियोरिटीज़ राइट पी टी आई शुड फोकस ऑन लॉन्ग वर्क इंस्टेड ऑफ लॉन्ग मार्च अयाज सादिक साहब मुख्तसर सी बात यह करूँगा अयाज सादिक साहब आप स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के ऐसी गुफ्तू करना जो कि आपकी पार्शियलिटी दिखाता है आपको शोभा नहीं देती आप प्लीज़ इस तरह की गुफ्तु से इजतनाफ़ करें अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है आपको दोबारा स्पीकर बना लिया गया और खालि सतन बने भी आप इसीलिए क्योंकि आप पी में पहले थे उसके बाद आप पी से निकल इमरान खान को आपने शिकस्त दी उस हल्के में तो मेरे ख्याल आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की बात करें मैं हुकूमत पर भी कोई तनकीद नहीं करता और ना मेरा तनकीद करना किसी पर बनता है सीधी जो बात है

दैट्स वाई द ई यू रेफरेंडम इज गोइंग हज वे अच्छा इन्होंने थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड अगर बताऊँ कि इन्होंने यूके uh, में जो है दे हैव आस्ट यूरोपियन यूनियन लॉड ऑफ कमिट लाइक लॉड ऑफ कंडीशन पोर्टेन

यूरोपीय यूनियन के कुछ स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन हो गई ना एक तरह से hmm. तो इसके बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के जो है ना वो हैं اصول قواعد و ضوابط اس میں رہنے हैविंग अ فریم ورک ٹو ورک اینڈ थिंक इज गुड बट इसके फायदे, इसके दे, फायदे दे, है। है हाँ। भी बहुत सारे हैं इसके फायदे बहुत सारे क्राइसिस अब ये अपने बॉर्डर्स बंद भी कर रहे हैं तो फ्लोइंग ऑफ गुड्स From in and out of the EU nations is becoming a it will become a problem Sir, once Mr. the Mr. refugee crisis gets bigger because जब वो द, अभी तो क्या होता है कि वो just in time पे काम कर रहे हैं लोग। hmm. You know कोई border का मसला नहीं है, they just uh, can ship anything from anywhere to anywhere। But जब ये borders close हो जाएंगे, then there will be a delay of like trucks lining up at the ports just in time जो सारी economy set हो गई है, Sir, try तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। Sir, I'll give you an interesting conclusion to this क्योंकि शोगा वो खत्म होने वाला है, तो हम बात है। बात यह है कि इमिग्रेंट क्राइसिस की जो हम बात करें इमिग्रेंट क्राइसिस बुनियादी तौर के ऊपर दे नो दैट वर्क फोर्स इन देयर कंट्री हैज़ बिकम टू एक्सपेंसिव द ओनली वे टू गेट चीप लेबर बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एन एडवांटेज ऑफ हैविंग मैक्सिको एंड अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज दैट कैन प्रोवाइड सब्सटैशियल अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स फॉर दैम एट चीप रेट्स यूरोप ऑन दी अदर हैंड फेसिज अज क्राइसिस क्योंकि उसके पास वर्क फोर्स उस रेट के ऊपर नहीं मिलेगी उसकी अपनी वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा वेजेस डिमांड करेगी अगर ये रेफ्यूज़ आते हैं इमिग्रेंट्स आते हैं कुछ अर्से तक इनका स्टेटस जो होगा ये क्वेश्चन मार्क होगा तब तक के ऐसे होगा कि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी और इनके वेजेस लेस होंगे तो आई थिंक कि दे विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ये कोई आप ऐसा ना समझें कि वहाँ पर माशरा इस तरह का है कि वो ऐसे ही दुनिया को इम्ब्रेस करना शुरू हो गए वो इस चीज को समझते हैं कि उनको चीप लेबर की जरूरत है मेरा आ, ऐसा ख्याल इस है इस इस आप उस इस पर इस अपना दिया भी कि अगर ये लोग अपने <coughs> नाफ्यूजी तो से आ रहे हैं, से हो सकते वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है जनाब जुनैद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने मेरे साथ माविन मेज़बान का किरदार अदा किया नाजरीन आज के प्रोग्राम खत्म खत्म हुआ चाहता है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम जाद बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं मैं अली नासिर और जुनैद गुल साहब भी हैं और बिजनेस प्लस के पते जो हैं हर बुलेटिन के बाद आपको दिखाई देते रहेंगे आज के लिए अली नासिर को हमारी टीम को इजाद दीजिए अल्लाह हाफिज़